हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, अभी हम लोग मूवमेंट एरिया थ्योरम चल रही थी हमारी। कौन सी थ्योरम चल रही थी? मूवमेंट एरिया मेथड। ठीक है, इस मूवमेंट एरिया मेथड के अंदर MAM मूवमेंट एरिया मेथड, ठीक है, इसमें हम लोगों ने स्लोप फाइंड आउट की थी। स्लोप किस कैसे की थी अपने? स्लोप को लिया था थीटा। क्या था? एरिया ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI, ठीक है, यानी कि M ओवर EI इंटू DX, कोई कुछ भी, X कुछ भी हो सकता है अपना, ठीक है, इंटू X भी हो सकता है, क्लियर। अब बारी आती है डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये मोर्स थ्योरम पे काम करती है। मोर्स की फर्स्ट थ्योरम जो हमने डेरिवेट की थी, और मोर्स की सेकेंड थ्योरम, उसका मीनिंग समझना बस आपको। मोर्स की सेकेंड थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि एनी वर्टिकल जो टेंजेंट के, जैसे मैं इसी के थ्रू समझा देती हूँ आपको। जैसे मेरी इनिशियल ये थी ए और बी, जब मेरा कोई लोड नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा लोड आया तो मेरी कर्व ऐसे हुई। इसके प्रोजेक्शन उतार लो, ये ए पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया? बी। इसकी ये जो आई टेंजेंट आया ये, इसका टेंजेंट क्या आया? ये, ठीक है। यदि मैं एंगल लूँ तो स्लोप निकाल रही हूँ। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन, यानी कि ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, वो क्या कह रहा है, किसके बराबर है? ये बराबर है मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। क्या है ये वर्टिकल डिस्टेंस? इसको मैंने लिख दिया YBA, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस किसका? पॉइंट बी पे किस किस के बीच का टेंजेंट और दूसरे टेंजेंट, जो ए वाला टेंजेंट था उसके बीच का डिस्टेंस। किसके इक्वल है ये? ये इक्वल है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का, एम ओवर ई आई डायग्राम लिख देती हूं, का मूवमेंट, ठीक है, ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया का मूवमेंट। मूवमेंट क्या होगी? यानी कि ये तो हो गया अपना टोटल लोड, समझ लो एक तरह से, इनटू सीजी। सीजी मैंने किससे डिनोट कर दी? एक्स बार से डिनोट कर दी। किससे डिनोट कर दी? एक्स बार से। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब वो यूं कहता है कि कोई भी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, ये देखो मैं यहां आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये आपका एक्स हो गया, यहां क्या हो गया? एम ओवर ई आई हो गया, ठीक है। जब M over EI हो गया, अब हम लोग जैसे मान लो मेरा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बना है, कुछ ऐसे, मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा यदि मैं, ये मेरा कोई A पॉइंट है, मेरा B पॉइंट है, A और B का क्या आएगा अपना? ये आ जाएगा, ठीक है। एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया होगा अपना। वो कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट का एरिया तो ठीक है, लेकिन मूवमेंट ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया, यानी कि इसका, इसके एरिए का बेंडिंग मूवमेंट। तो एरिए का बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? एरिया इंटू सीजी। सीजी कहां से? यदि मुझे डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है तो सीजी लूंगी, इस एरिया की सीजी, इस डायग्राम की सीजी मैं कहां से लूंगी? बी पॉइंट से। मान लो इसको मैंने डिनोट किया एक्स बार से। और यदि मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है ए पे, तो मैं सीजी के लिए रेफरेंस लाइन, जो इसने कही है, एक रेफरेंस लाइन से जो रेफरेंस पॉइंट लूंगी वो कौन सा लूंगी? ए पॉइंट। इसको मैं ले देती हूँ एक्स बार वन लिख देती हूँ, समझ आया? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं देखूं वाई बी ए का मतलब कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एम ओवर ई आई डायग्राम एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एम ओवर ई आई डायग्राम बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। किसका एरिया? ऐसे तो एरिया तो खूब सारे हैं, लेकिन ए और बी जिस पॉइंट में, इनटू सीजी। सीजी कहां से? विद रिस्पेक्ट टू बी। इसमें किसके रिस्पेक्ट लेनी पड़ेगी अपने को? बी के रिस्पेक्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब इसका एक न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। तभी तो इसने क्या कहा है, इस थ्योरम के अंदर क्या कहा है कि किसी भी पॉइंट पे
पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है किसी भी रेफरेंस लाइन का टेंजेंट के बीच के अंदर इलास्टिक कर्व में, वो किसके इक्वल है? मैंने अभी बताया आपको, ये मेरी बीम हो गया, ये मेरी इलास्टिक कर्व होगी, और ये क्या आगे मेरे उसके टेंजेंट आगे। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, जो ये भी एक हो गया। तो इसका यदि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ तो एम ओवर ई आई, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और ये मेरा कौन सा बन गया, ये क्या हो गया अपना बेंडिंग मोमेंट एरिया, एम बेंडिंग एम ओवर ई आई डायग्राम का एरिया, एरिया ऑफ इनटू सी जी। सी जी कहाँ से, यदि ये फाइंड आउट करने वर्टिकल, यदि मुझे थीटा फाइंड आउट करना होता तो मैं डायरेक्ट क्या करती, सिर्फ स्लोप निकाल लेती, और मैं क्या करती, सिर्फ ये क्या जो स्लोप निकाल लेती और इसका डायरेक्ट कर देती, एरिया एरिया ही मतलब। और लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने सी जी से मल्टीप्लाई किया तो सी जी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, वर्टिकल डिस्टेंस आ गया। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। इस न्यूमेरिकल के अंदर मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम कैंटिलीवर ही लेते हैं जो हमने पहले किया था। ये मेरा कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे कोई लोड लग रहा है पी का, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये एल क्या है, इसका स्पान है। क्लियर? जब एल स्पान है इसका, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसकी इलास्टिक कर्व बनानी है। इलास्टिक कर्व का मतलब कि ये ऐसे गया और ये कैसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब देखो टेंजेंट एट ए, ये ए पॉइंट हो गया, और बी पॉइंट कहाँ चला गया आपका, यहाँ चला गया इस पॉइंट पे, क्योंकि ये झुक गई। टेंजेंट एट ए यानी ये आपकी इलास्टिक कर्व ही है। मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का टेंजेंट तो यही आएगा, टेंजेंट ए। ठीक है, और इलास्टिक कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट का टेंजेंट क्या आएगा, इसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट, इसके बिल्कुल टच करता ये चला जाएगा इसके। तो ये एंगल है, ये एंगल कौन सा कहलाएगा, थीटा बी एंगल कहलाएगा। और मुझे यदि डिफ्लेक्शन नोट करनी है इस पॉइंट पे, तो इसको मैं किस से रिप्रेजेंट करूंगी, वाई बी यानी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। ये कैसे निकलेगा, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपका बी, ये आपका लोड लगा पी, आपको पता है होगिंग होगी तो मूवमेंट किस में आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव मूवमेंट आएगी, तो वही अपना ऐसे लेना आपने, ये एक्सिस बनाने, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, एम ओवर ई आई डायर। ई आई कुछ नहीं है, ई आई सिर्फ डायरेक्ट क्या है आपका, सिर्फ आपका एक कांस्टेंट होगी जिसकी वैल्यू हमें गिवन होगी। एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइड कर देंगे ई आई से, तो वो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपने कहा इस पॉइंट का है ना, अब मैं क्या करूँगी, पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करूँगी। एल तो एल आ गया, अब आप बताओ होगिंग होगी सैगिंग होगी, इसकी इलास्टिक कर्व बना के देख लिया करो आप, ऐसे बनेगी। इसको पूरा करो, ये क्या हो रही है, ऊपर की तरफ क्या आ रही है, टेंशन आ रही है, यानी होगिंग किस में आती है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव आएगा। इस पॉइंट पे खड़े जो पी इंटू एल, ये क्या आ गई, मूवमेंट आ गई, मूवमेंट एट पॉइंट ए। सबसे पहले आपने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना और कुछ नहीं करना, रिएक्शन निकालनी है, रिएक्शन लेकर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या बनेगा, ये तो फ्री हैंड है, तो इस पॉइंट पे तो मूवमेंट तो क्या होगी, जीरो। मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू एल, लेकिन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये सारी क्या हो रही है, होगिंग हो रही है। क्लियर, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे डायग्राम ड्रा किया पी इंटू एल, और ये क्या आ गया अपना, ये एल डिस्टेंस आ गया, इसको किया तो ये नेगेटिव पी एल आ गया, ये डायग्राम आ गया। ठीक है, यदि मुझे स्लोप देखनी हो इस पॉइंट पे स्लोप का नाम क्या दूंगी, थीटा बी। अभी ये जो ड्रॉ किया था अपने थीटा बी, हमने जो फर्स्ट थ्योरम किया उसके अकॉर्डिंग क्या है, थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू क्या होगा, बेंडिंग एम ओवर ई आई डायग्राम का एरिया ऑफ एम ओवर ई आई डायग्राम। ठीक है, ई आई बेंडिंग मोमेंट तो आपकी क्या है, पी एल है, डिवाइडेड बाय ई आई कर दिया। ठीक है, एम ओवर ई आई डायग्राम बन गया ना, ये मूवमेंट थी, इसको ई आई से डिवाइड कर दिया एरिया के अंदर, ये तो क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया, इनटू बेस क्या है, एल इनटू 1/2। ठीक है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस ऑफ पी एल स्क्वायर बाय 2 ई आई। क्लियर,
क्लियर हुई कि नहीं बात, थीटा बी आपको फाइंड आउट करनी है और थीटा ए की वैल्यू जीरो है, तो थीटा बी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ पी एल स्केयर ओवर टू ई आई। क्लियर, ये तो क्या आ गई मेरी, स्लोप आ गई है, क्या आ गई मेरी है, स्लोप आ गई, समझ आया। ये देखो स्लोप के अंदर ये कैसा मूव कर रहा है, ये कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव ही आ गई। अब बारी आती है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, बी पे डिफ्लेक्शन किससे डिनोट किया, वाई बी से, क्या आएगा अभी बताया, मूमेंट ऑफ द मूमेंट एम ओवर ई आई डायग्राम, ठीक है, मूमेंट ऑफ द एरिया ऑफ, एरिया ऑफ एम ओवर ई आई, एरिया तो अभी आपने निकाला है, कितना एरिया निकाला आपने, पी एल स्क्वायर ओवर टू ई आई, पी एल स्क्वायर ओवर टू ई आई, मैंने एक पर माइनस नहीं लगाया, चलो माइनस लगा लेती हूँ, एरिया तो अभी आपने, मूमेंट, मूमेंट का मतलब क्या हुआ, ये एरिया आ गया, इसको सी जी से मल्टीप्लाई करना है, सी जी कहाँ से लेंगे, अभी मैंने बताया था जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं उस पॉइंट को रेफरेंस मान के, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, इस डायग्राम के अंदर इसको रेफरेंस मानेंगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, सी जी देखोगे कहाँ होती है, सी जी कहाँ होती है, अभी ये ट्रायंगल बना है ना एक, इस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, यहाँ से होती है एल बाई थ्री और इधर से होती है टू बाई थ्री एल, तो यहाँ से तो होगी ये एल बाय थ्री और यहाँ से कितनी हो जाएगी टू बाय थ्री एल, ठीक है जी, तो हम तो इधर से लेनी है अपने को, तो यही लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बाय थ्री एल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू टू बाय थ्री एल, क्लियर, ये क्या आ जाएगा टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ पी एल स्केयर ओवर सिक्स, सिक्स नहीं थ्री आई, पी एल क्यूब ओवर, माइनस ऑफ पी एल क्यूब ओवर थ्री ई आई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है जी। अब एक बात और सुनिए, यदि ये थ्री ई आई आता है, ये आपने क्या आ गई, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिफ्लेक्शन हो रही है आपकी, क्या हो रही है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ रही है, कौन सी डिफ्लेक्शन आ रही है आपकी, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आती है। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं अभी हम, वही जो हम लोगों ने सी जी वाला किया था अभी प्रीवियस के अंदर जो किया था हमने, ये बेंडिंग मोमेंट है, ये कैंटिलीवर है और इस पर क्या लग रहा था, एक कपल लग रहा था, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था नेगेटिव, आपको पता है कैंटिलीवर तो पूरा नेगेटिव बनेगा, मूवमेंट सब में सेम रहेगी, एक जैसी मूवमेंट हर पॉइंट पे, यानी कि ये तो बन गया अपना एम नोट ई आई, ये पूरा क्या है, ये रेफरेंस, ये रेफरेंस लाइन किस चीज की है, एम ई आई की है, एम कितनी आई है, एम नोट आई है डिवाइडेड बाय ई आई हो गया, ये क्या आ गई अपनी लेंथ आ गई, तो हम लोग कहेंगे थीटा बी इज इक्वल टू, तो क्या आ गया एम ओवर ई आई डायग्राम का एरिया, तो ये तो क्या हो गया विड्थ होगी, ये क्या होगी लेंथ होगी, तो ये आ गई आपकी एम नोट एल ओवर ई आई आया था ये। अब मैं निकालती हूँ वाई बी, वाई बी का मतलब क्या होगा, किसी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे लेंगे तो बी पॉइंट का क्या करेंगे अपन, इंटू सी जी, इस पॉइंट की सी जी इस पॉइंट से, इस पॉइंट की सी जी इस पॉइंट से कितनी होगी, एल बाय टू ही होगी, तो क्या हो जाएगा एम नॉट, पहले ले दे एक्स बार फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी कितनी होगी भी, टू बाय थ्री एल इक्वल टू टू बाय थ्री एल, तो वाई बी इज इक्वल टू क्या आ गया एम नॉट एल ओवर ई आई, ये तो क्या हो गया एरिया इंटू सी जी टू बाय थ्री एल, तो ये हो गया माइनस ऑफ एम नॉट टू एम नॉट एल स्केयर ओवर थ्री ई आई, ठीक है जी, ये क्या आ गई मेरी डिफ्लेक्शन आ गई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे को, यानी कि क्या हो रही है ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ रही है अपनी, कौन सी डिफ्लेक्शन आ रही है डाउनवर्ड, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल हम लोग किस पे करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम पे करेंगे, ठीक है जी, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जिसके अंदर हम सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसपे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं हम लोग, ये क्या लिया मैंने, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया जिसका स्पान कितना है, एल मीटर का है,
इसके बिल्कुल मिडिल में पी किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, यानी कि यहाँ भी कितना आ गया, ये एल बाय टू आ गया और इधर भी क्या आ गया, एल बाय टू आ गया। समझ आ गया? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी और सी लिखेंगे। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, सबसे पहले किस चीज को फाइंड आउट करते हैं, रिएक्शन को। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आर बी इंटू एल माइनस ऑफ पी इंटू एल बाय टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो आर बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी एल बाय टू और ये डिवाइड आ जाएगा एल, यानी कि क्या आ गया, पी बाय टू आ गया। और हमें पता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या है, टोटल लोड पी, लिख भी देती हूँ ब्रैकेट में, टोटल लोड के इक्वल है। किसके इक्वल है जी, ये टोटल अपने लोड के इक्वल है। तो आर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बी की वैल्यू कितनी आई, अभी पी बाय टू आई है, आर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, पी माइनस पी बाय टू, यानी कि क्या वैल्यू आ गई इसकी, पी बाय टू किलो न्यूटन। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका ये बीम है ना, आपका ये बीम है ए बी और ये क्या है आपका एक पॉइंट लोड पी, ए बी सी। ठीक है, हम लिखेंगे ये कितना आया पी बाय टू और ये भी कितना आया पी बाय टू। मूवमेंट एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी क्या आएगा, पी बाय टू, ये कितना हो गया एल बाय टू और ये भी कितना है आपका एल बाय टू, तो क्या आएगा पी बाय टू इंटू एल बाय टू, यानी कि ये क्या बन गया आपका पी एल बाय फोर। ठीक है, ए और बी पे तो मूवमेंट क्या आएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि ए और बी तो क्या है अपने सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड है। तो ये देखिए इसका जब ड्रॉ करते हैं तो ये तो जीरो आ गया, ये कितना आ गया पी एल बाय फोर आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका एल बाय टू और ये भी कितना आ गया आपका एल बाय टू। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब क्या हुआ कि यदि वो कहता है आपको थीटा ए और थीटा, देखो आपको पता है यदि यदि मिडल पे है इलास्टिक कर्व, इलास्टिक कर्व देखूं मैं, ये यहीं पे बना लेती हूँ, यदि मैं इलास्टिक कर्व देखूं तो लोड आता है तो ये चीज़ ऐसे झुकेगी, ऐसे झुकेगी, ये झुकेगी तो मिडल पॉइंट क्या करेगा, मिडल पॉइंट तो इसका टेंजेंट है, मिडल पॉइंट का टेंजेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे स्लोप इस पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, तो मैं पहले क्या करती हूँ, थीटा सी माइनस थीटा ए, मुझे पता है ना डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, थीटा सी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी माइनस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो ए होगी समझ लो और ये सी हो गया, थीटा सी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एम ओवर ई आई डायग्राम का एरिया, एरिया ऑफ एम ओवर ई आई डायग्राम। तो ये क्या हो गया, इसको मैं, ये एम है, इसको मैं ई आई से डिवाइड कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा पी एल बाय फोर ई आई, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू ये कितनी आ जाएगी, ये एरिया, इसका एरिया निकालना है ना, किस किस का एरिया निकालना है, दो पॉइंट्स के बीच का एरिया, मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से दो पॉइंट, ये वाले सी और ए इकट्ठा नहीं निकाल पाएंगे हम, इकट्ठा निकालते हैं तो थीटा बी, थीटा ए माइनस बी या थीटा बी माइनस ए करेंगे तो एरिया इक्वल, तो वहां तो ये दोनों ही अननोन हो जाएंगे। बाई चांस मैं ऐसा करती हूँ थीटा ए माइनस थीटा बी या थीटा बी माइनस ए एम ओवर ई आई डायग्राम का एरिया, तो इसमें तो ये दोनों ही अननोन है, दोनों अननोन है तो नहीं कर सकेंगे, इन दो अननोन में से एक चीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे थीटा सी पता है, थीटा सी की वैल्यू कितनी है जीरो, तो यहाँ तो आ गया माइनस ऑफ थीटा ए, तो कहने का मतलब बेंडिंग मोमेंट एरिया किसका लेंगे, सिर्फ इतना, सिर्फ इसका, तो सिर्फ इसका कितना हो जाएगा, यहाँ तो जीरो आ गई थीटा सी की वैल्यू, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये तो हाइट बन गई, ये बेस बन गया वन बाय टू
इंटू एल बाय टू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है पी एल ओवर फोर ई आई, बोलिए भी। तो इसकी वैल्यू आ गई पी एल स्केयर ओवर 16 ई आई, ये थीटा ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी एल ओवर 16 ई आई। और मैंने बताया था नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट, ऐसी कर बनेगी ये थीटा ए, ये नेगेटिव करता है, ये रिसेशन में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और ये क्या है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, इसलिए इसको क्या कर लिया मैंने, नेगेटिव ले लिया। क्लियर। अब बारी आती है कि बी पे निकालने के लिए, बी पे निकालेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेना पड़ेगा, ये लोअर पॉइंट ये अपर पॉइंट, अपर पॉइंट यानी थीटा बी माइनस थीटा सी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एरिया, इसका इसका एरिया, अब इसका एरिया करूंगी तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगी, वही बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई टू। तो बेस कितना है इसका, एल बाई टू इंटू वन बाई टू, ट्रायंगल है ना, इंटू हाइट कितनी है पी एल ओवर फोर ई आई, बोलो भाई ये कितनी आ गई वैल्यू, पी एल स्केयर ओवर 16 ई आई। लेकिन ये थीटा बी किस में आया, पॉजिटिव आया है, किस में आया पॉजिटिव। क्लियर। ये देखिए आप, ये वैसे आप ये भी कह सकते हो इसके रेफरेंस में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ऊपर की तरफ, और एक बात और भी कह सकते हो, ये अपने ये जो एंगल बना है अपना, ये क्या बना है, एंटी क्लॉकवाइज बना है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर हुई। और यही यदि मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी पड़े, जैसे मैं कहूँ डिफ्लेक्शन एट सी, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी क्या होगी, आप देखो ए और बी पे तो डिफ्लेक्शन होगी नहीं, जीरो ही होगी डिफ्लेक्शन, तो इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन करनी है तो इसका एरिया और क्या करेंगे इसकी, इनटू क्या कर देंगे इसकी सीजी। सीजी कहां से लोगे, इस पॉइंट से ले लो चाहे इस पॉइंट से ले लो, वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है, इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल हम लोग और भी करेंगे, ठीक है। तो इसके सारे न्यूमेरिकल हैं वो मैं देख लेता, हम लोग देख लेते हैं, जो सिर्फ कैंटिलीवर बीम आता है आपके या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम आता है, कौन सा बीम आता है, कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, ठीक है जी। तो यदि मैं इसका देखूं तो ये ए से ले रहे हैं आपा, रेफरेंस क्या ले रहे हैं आपा, ए से ले रहे हैं, सी से ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं, किस से ले रहे हैं, वो करके हम लोग क्या कर लेते हैं इसका फाइंड आउट। इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, थीटा बी और थीटा ए फाइंड आउट कर लिया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और यदि हमें स्लो फाइंड आउट करनी हो, सॉरी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी हो जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड आउट के एरिया, तो इसका आ जाएगा पूरे का एरिया, ठीक है, और एरिया इंटू क्या आएगी, सी जी आएगी इसकी, एरिया इंटू, अब देखो एक बात हो रहा है, यदि मैं बात करूँ थीटा सी पे वो फाइंड आउट करने के लिए, क्या भी अपनी आपका इसके अंदर मैंने स्लोप फाइंड आउट करनी बता दी, अब लोग एक अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना। हमारे यहाँ कैंटिलीवर जो जो हमारे टॉपिक आते हैं उसके अंदर क्या क्या करना है, एक तो कैंटिलीवर, कैंटिलीवर के अंदर पॉइंट लोड का मैंने अभी बता ही दिया आपको, ठीक है, अभी मैंने इसका कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट करनी बता दी ना आपको, डिफ्लेक्शन भी अभी बताया था आपको, हाँ डिफ्लेक्शन भी मैंने बता दी है, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन बता दिया। फिर यूडीएल मेन आता है, यूडीएल यदि कर, क्योंकि यूडीएल के अंदर क्या होती है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है अपना, पैराबोलिक बनता है, कैसा बनता है, जैसे जैसे ये आता है यहाँ, ये आ गया, जैसे इस पर बाई चांस ये ऐसा लोड लग रहा है, यानी ये इस पर ऐसा लोड लग रहा है, तो इसकी शेप कैसी आएगी, अपनी पैराबोलिक शेप आएगी, ऐसी शेप आएगी। इसका एरिया कैसे निकलता है, इसकी सीजी कैसे निकलती है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।